कुलदाम सोसाइटी तो यही है। अरे सुनो, ये आत्माराम भेड़े यहीं पर रहते हैं? हाँ। कौन से विंग में? ए विंग, फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू, चलो। मेरे भाई के घर में पुलिस? कोई टेंशन की बात लग रही है। चलो दोस्त, हम सब भिड़े के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। एक मिनट, सॉरी, ये बैग तो अपने साथ रखेगा क्या है? मेरे पास से कोई भी छीन सकता है। तू कैसा स्ट्रांग है ना, तेरे पास से कोई नहीं छीने। आए पिड़ो, तो बिल्कुल फिकर ना कर, और तेरे पास ये बैग बिल्कुल सेफ है, और तेरे साथ तेरा दोस्त रोशन सिंह सोढ़ी है ना, और गोकुल धाम के अपने सारे मर्द भी तो जा रहे हैं। बिल्कुल, मजा आ रहा है तेरे हाथ से कोई ये बैग छीन ले। आत्माराम तुकाराम भिड़े कौन है? पुलिस? मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? ये तुम्हारा लाइसेंस है? हाँ, मेरा ये आपको कहाँ मिला? जहाँ तुमने उस आदमी को लूटा है। लूटा? अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने धनराज चिनॉय की 125 करोड़ रुपए की सोने की बैग लूटी है। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये बैग मुझे उसने इनाम में दी है। सर, ये तो पूरी गैंग है। आप में से सरदार कौन है? ओ, मैं हूँ जी। अरे मतलब ग्रुप का लीडर कौन है? मैं तो तमिलियन है, न्यान कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, मैं साइंटिस्ट है। सरदार का मतलब तुम्हारे गैंग का लीडर कौन है? पर कौन सा गैंग इंस्पेक्टर साहब, काय का गैंग? लुटेरों की गैंग। क्या बोल रहे इंस्पेक्टर साहब? सर मुझे तो ये मोटा लीडर लग रहा है। कैसे बात कर रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। वैन मंगवाओ। यस सर। वैन? अरे क्या वैन मंगवाओ इंस्पेक्टर साहब, हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारी कोई गैंग नहीं, हम सब पड़ोसी है। अच्छा, तो पूरी सोसाइटी वाले मिलकर चोरी करते हो? बोलते थे सोसाइटी मिलकर चोरी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हम सब लोग शरीफ लोग हैं। सही बात है। आपको इस उम्र में चोरी करते हो शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं आप, ये कोई चोर नहीं है, ये मेरे आदरणीय बापूजी है। आपका कुछ गलत फहमी हुई है। रंगे हाथों पकड़े गए और बोलते हो गलत फहमी हुई है, पुलिस को उल्लू बनाते हो। सर ये वही बैग है जिसको हम ढूंढ रहे थे। चलो पुलिस स्टेशन। अरे हम लोगों ने चोरी नहीं की है। झूठ मत बोलिए, सबको लेकर चलो पुलिस स्टेशन। अरे हमारी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब, ये बैग हम अभी पुलिस स्टेशन में देने ही आ रहे थे। झूठ बोलते हो, सोना बेचने निकले थे ना, हमें देखते बोलते कि हम पुलिस स्टेशन आ रहे थे। अरे अरे नहीं नहीं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चलो और बैग लाओ। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहिए। अरे रे, ये सब क्या हो रहा है? अरे अब्दुल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए भाई। मुसीबत? अरे हमको तो कल रात को ही पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। जनरल ये सब गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अरे मैंने तो खाली एक सुझाव दिया था कि भाई इतनी रात को इतना जोखिम लेकर पुलिस स्टेशन जाना अच्छी बात नहीं है, और आप सबसे पूछा था कि भाई आपकी क्या राय है, तो सबने हाँ बोला था ना। बराबर। हाँ जी, एकदम बराबर है। बराबर बराबर। मैं तो सब बोला था कि नहीं सबने? हाँ बिल्कुल कहा था। तो फिर बोलो अय्यर भाई को, यार मेरे ऊपर बिल फाड़ रहे, लेना नहीं देना। अय्यर भाई, इसमें जेठालाल की क्या गलती है भाई, इस वक्त हमें एक दूसरे पे दोष नहीं मढ़ना है भाई, हम सबने मिलकर डिसाइड किया था कि हम सुबह जाएंगे। लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या? 125 करोड़ के सोने के बिस्किट चुराए इन लोगों ने। क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब आप समझ नहीं रहे, ये डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम चोर नहीं है भाई, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। और मैं भी चोर नहीं हूँ, मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। और मैं तारक मेहता हूँ साहब, तारक मेहता, मशहूर लेखक तारक मेहता, आपने मेरे आर्टिकल पढ़े होंगे।
और मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट का नामचीन व्यापारी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जमकी मेरी बहुत बड़ी दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। हाँ, बहुत इज्जत है मेरी मार्केट में साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर हूँ। अजी मेरा भी फर्स्ट क्लास गैराज है जी, ईमानदारी की खाता हूँ जी। और ये भी शिक्षक है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ, ये सब लोग सही कह रहे हैं भाई, अरे हम लोग चोर नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये 5 किलो सोने की बैग मुझे मिली है, अब मेरी वजह से इन सबको क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा, तो तुम कबूल करते हो ना कि सोने की चोरी तुमने की है? इंस्पेक्टर साहब, परत तेज, मैंने ये सोना चुराया नहीं है, मुझे इनाम में दिया एक आदमी ने। हाँ, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल मैं मनोज भाई के यहाँ पेमेंट कलेक्ट करने गया। देखिए भाई साहब, आपके मनोज कुमार की कहानी पुलिस स्टेशन में सुनाना। हाँ? अभी चलिए हमारे साथ। अरे दया, पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये 125 करोड़ का सोना हम सब ने मिलकर चुराया है। अरे नहीं नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये लोग अच्छे हैं। देखो मैडम, ये अच्छे लोग हैं या सच्चे लोग हैं, ये पुलिस स्टेशन जाने के बाद ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर भाई देखिए, आप इनको गलत समझ रहे हैं और इन पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ये सब बेकसूर है। देखिए, आप इन्हें इस तरह से यहाँ से नहीं लेके जा सकते। देखिए, हमारी कार्रवाई में रुकावट मत लाइए, आपको जो भी कहना है वो पुलिस स्टेशन आकर कहिए। पुलिस भाई, मैं भी इनके साथ आऊंगी। हाँ मैं भी। हाँ हंस, मैं भी आऊंगी। अरे चुप, पूरी बारात लेकर जा रहे क्या? इंस्पेक्टर साहब, आपने इतनी बड़ी वैन बुलाई है तो सबको ले चलो ना, सब आ जाएंगे उसमें आराम से। अरे ये पुलिस की वैन है, पिकनिक वैन नहीं है जो सबको साथ में ले चलू। लेडीज में से कोई एक आ सकता है, चलिए। तो एक काम करती हूँ, मैं भीड़ वैन के साथ जाती हूँ, आप सब लोग यहीं रुकिए, और टप्पू से ना आए तो उसका जरा ध्यान रखना। हाँ, डोंट वरी दया भाभी। चलो जाओ, जिप में बैठो, चलो चलो पहले चलो, चलिए चलिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप चलिए 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 चलिए, आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए, चलो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या होगा पुलिस स्टेशन में। हवालदार साहब, आप मेरी वजह से इन सबको पकड़ के क्यों लेके जा रहे हो, इनकी क्या गलती है इसमें? अरे भाई, गलती तो तेरी भी कहाँ है, भीड़ है। किनकी गलती है और किनकी गलती नहीं, ये तो पुलिस स्टेशन चलने के बाद ही पता चलेगा। अरे हवालदार साहब, हम निर्दोष है, आपको गलत फहमी हुई है। हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? अरे हम सब सीधे साधे लोग है। करेक्ट है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जब पांडे सर के डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा कौन कितना सीधा है और कितना साधा है। अरे बाप रे माधु, ये क्या गड़बड़ हो गई। अरे भिड़े, चिंता की कोई बात नहीं है, उन्होंने बोला ना चालू जी पांडे जी है वहाँ पुलिस स्टेशन में, वो तो हमको पहचानते हैं, वो छोड़ देंगे हमको। आराम से बैठो, आराम से बैठो। पांडे छोड़ देना यार, तू मेरा बचपन का दोस्त है ना। तो इस वक्त मेरा दोस्त नहीं, एक मुजरिम है, और मैं इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर हूं, कानून का रक्षक, और तूने कानून तोड़ा है, तुझे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में 6 महीने की सजा हो सकती है। पांडे, तू तो जानता है ना कि मैं हमेशा कानून फॉलो करता हूं। अरे ये तो पहली बार मैंने ड्रिंक करके ड्राइव किया है। तो क्या हम पहली बार कानून तोड़ने वाले को जाने दे? कल को तू बोलेगा मैंने पहली बार खून किया है, जाने दो, जाने दो। सॉरी चंदन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सर कह रहे हैं हमने मोबाइल भी ढूंढ लिया और चोर भी। अरे चालू जी, पांडे जी नमस्ते। मेरे साथी क्यों भगवान, मेरे साथी क्यों? क्या हुआ चालू जी, पांडे जी क्या हुआ? पूछते हो क्या हुआ? हर बार की तरह केस सॉल्व करके यहां मुझे बताने आया, मेरे स्टाफ के सामने मुझे नीचा दिखाने आया हो? सर, एक मिनट के लिए रहिए। सर
ये केस इन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, तो ये केस हम लोगों ने सॉल्व किया सर। अच्छा, ये लोग चोर लोग हैं सर, इनके पास से सोने की बैग मिली है हमें। सोना बेचने जा रहे थे ये लोग, हम लोगों ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। कट। थैंक यू सर। वाह ऊपर वाले, तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्या करिश्मा है। खुद केस सॉल्व करने वाले आज खुद केस बन गए। थैंक यू भगवान, थैंक यू। पांडे जी, हम लोगों ने चोरी नहीं की है। ये पुलिस स्टेशन है, कोई गोकुल धाम नहीं है। एक एक करके बोलो। मैं बोलता हूँ। पांडे मुझे जाने देना। चंदन मैं तुम्हें बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ। बोलो। अरे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी बोलेगा, एक करके बोलो ना। चालू जी, पांडे जी, लेकिन हम सब एक ही है। सही बात है, मैं जानता हूँ आप सब एक ही हो, लेकिन क्या है मेरे कान है ना, एक ही टाइम पर एक ही आवाज सुनने के लिए ट्रेंड है। पांडे जी, ये जो बैग है वो मुझे कल रात एक आदमी ने गिफ्ट में दिया। ओहो, तो गिफ्ट में तुम्हें सोने के बिस्किट से भरा बैग दिया है। हाँ, बोलो क्या जमाना आ गया, गिफ्ट ने हमें कोई खाने की बिस्किट नहीं देता और इन्हें सोने के बिस्किट गिफ्ट में देता है। वो तो अभी जैसा जिसका नसीब। कदम सर, ये बैग लाओ और उसे लेकर आओ जिसने कंप्लेंट की है। यस सर। और बेटे हमें जरा डिटेल में बताओ क्या हुआ। मैं पूरी बात बताता हूँ क्या हुआ। कल मैं पैसे लेने के लिए एक क्लाइंट के पास गया, इन सबको तो मैंने सिर्फ सलाह लेने के लिए अपने घर पे बुलाया था। बिल्कुल, हम लोग तो सिर्फ सलाहकार बन के गए थे और आपके इंस्पेक्टर साहब हम सबको चोर बना के यहाँ पुलिस स्टेशन लेके आए। बोलो जेठालाल, हमने तुमसे कुछ पूछा? नहीं नहीं, वो तो मैं तो बस खाली खाली पीली भी कुछ नहीं बोलेगा यहाँ। तो पीली तो मैं बोला ही नहीं, खाली खाली बोला, इसने मैं तो आपने मुझे रोक दिया। खाली भी नहीं बोलने का जेठालाल। हाँ बोलिए। खाली इतना ही बोल रहा था। फिर खाली? नहीं, मतलब मैं इतना ही बोल रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ। चलो मान लेता हूँ कि तुमने इन लोगों को सलाह लेने के लिए बुलाया और इनका चोरी से कोई वास्ता नहीं है, नहीं है। लेकिन सोने के बिस्किट से भरा ये बैग तुम्हें गिफ्ट में मिला, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है भिड़े साहब। मैं सच बोल रहा हूँ पांडे साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है और आप तो जानते ना मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप शिक्षक हो, पर आजकल जमाना बड़ा खराब है। अब पिछले दिनों एक केस आया था, एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने खुद के स्कूल में स्टेशनरी चोरी करते हुए पकड़ा गया। आज की तारीख में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्यों पाटिल? जी सर। नहीं लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ पांडे जी, मैंने उस आदमी की जान बचाई और उसके बदले में उसने मुझे ये सोना गिफ्ट में दिया है। जहाँ तक मुझे याद है भिड़े, तुम्हारे पास एक स्कूटर है ना? है। उस स्कूटर का कुछ नाम भी रखा हुआ है ना? सकाराम। और उस स्कूटर का नंबर था 420। पांडे जी, मेरे सिर्फ स्कूटर का नंबर 420 है, मैं 420 नहीं हूँ पांडे जी। अरे कहा ना, एक आदमी बोलेगा और कोई अभी फिर से बोला ना तो सबको अंदर ला दूंगा। तो बड़े तुम्हारे पास अब भी वो स्कूटर है? हाँ है। ओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी के पास स्कूटर है और वो आधी रात को पैदल चल के आ रहा है। तो पार्टी वार्टी करके आ रहे थे क्या? ओ पिड़ू, ओ मैनू दस्या नहीं,
कुछ नहीं चाहते थे। नहीं 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 पंडित जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ क्या हुआ। वो हमारे एक क्लाइंट है मनोज भाई, जिनके पास से हमारा आचार पापड़ का पेमेंट बैलेंस था। पिछले 6 महीने से वो आदमी पेमेंट दे ही नहीं रहा था। अच्छा। मैं जब भी पेमेंट लेने के लिए जाता था वो कुछ ना कुछ बहाना करके डिले कर देता था। तो मैंने सोचा कि इस बार भी अगर पैसे नहीं मिले तो स्कूटर का पेट्रोल खाली पीली फालतू 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 में वेस्ट हो जाएगा, इसलिए बोला मैंने कि चल के जाता हूँ, पैसे बचेंगे। बड़े तुम पैसे बहुत बचाते हो, क्यों? पैसे तो बचाने पड़ेंगे ना पंडित जी, आज के जमाने में पैसे बहुत जरूरी है। इसीलिए तुमने ये सोने के बिस्किट से भरा बैग अपने पास रख लिया। पांडे जी, पीड़ू एकदम सच बोल रहा है, और उसको ये सोना तो रखना ही नहीं था। तुम्हें गिफ्ट में मिला हुआ 125 करोड़ का सोना नहीं रखना है? 125 करोड़ नहीं चालू जी, पांडे जी 1,35,00,000 आज का भाव 27,000 है। हाँ तो भिड़े, तुम्हें 1,35,00,000 का सोना गिफ्ट में नहीं रखना है। नहीं नहीं पांडे जी, एक तो ये सोना मेरी मेहनत की कमाई का नहीं है, दूसरी बात जिस आदमी ने मुझे ये सोना दिया वो नशे में था, इसलिए मेरा मन नहीं मान रहा था ये बैग रखने का। ये सोना लेके मैं आपके पास आ ही रहा था। और तो आया क्यों नहीं? हाँ तुम्हें क्या लगा ये पुलिस स्टेशन तुम्हारे ट्यूशन क्लास की तरह है? 9 से 5 तक पुलिस स्टेशन 24 आवर्स अवेलेबल फॉर द पब्लिक। पांडे जी, मैं आपके पास आने ही वाला था लेकिन इतना सारा सोना देखकर मैं टेंशन में आ गया था। अच्छा। हम मिडिल क्लास हो गए पांडे जी, मैंने तो सपने में भी इतना सारा सोना एक साथ नहीं देखा है। तो रात को क्यों नहीं आए, तुम्हें क्या लगा हम लोग सोने चले गए? दरअसल मैं बहुत डर गया था, और उस आदमी को बचाने के चक्कर में मुझे थोड़ी चोट भी लगी थी। मेरा चश्मा टूट गया था, मोबाइल टूट गया था, एक तरफ ये सोना लूट जाने का डर था, और दूसरी तरफ अगर मैं पुलिस स्टेशन आता तो लेट हो जाता, फिर माधवी घर में चिंता करती, ये सोच के मैं पहले घर चला गया। सोने के बिस्किट से भरा बैग तो मिल गया है। अब मिस्टर धनराज आ जाए तो पता चले हमें क्या करना है। कौन धनराज? अरे धनराज, इस सोने के बिस्किट का मालिक, जिसने कंप्लेंट लिखवाई है कि कल रात राम मंदिर के पास तुमने उसे बेहोश करके उससे उसका बैग लूट लिया है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरा बैग, यही है मेरा बैग। माधवी, पांडे जी, यही वो आदमी जिसने मुझे ये बैग इनाम में दी थी। क्या बकवास कर रहे हो? एक मिनट, बड़े तुम्हें पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने तुम्हें बैग दिया है? अरे बिल्कुल पांडे साहब, 100%। मैं थोड़ी नशे में था। बेटे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी आदमी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी लिखवाई है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें इन्होंने गिफ्ट दिया है, और ये कह रहे हैं कि तुमने चुराया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये माजरा क्या है। कल रात क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन ये आदमी झूठ ही बोल रहा है। मैं इतना बड़ा इनाम कैसे दे सकता हूँ? जो भी हो, ये जो बयानबाजी कर रहा है उसमें तो उल्टा मैं ही फंसूंगा। मेरी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ये कंप्लेंट वापस नहीं ले सकता। मित्रों, हमने बचपन से एक बात सुनी है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, लेकिन आज के हालात में शायद ये ठीक नहीं लगता। भिड़े ने भलाई बोई लेकिन मिली क्या, मुसीबत। मुसीबत भी नहीं, महामुसीबत। चोरी के केस का इल्जाम है भिड़े पर। आपकी और हमारी नजरों में भिड़े हीरो है और धनराज विलेन, लेकिन कानून तो सबूत मांगता है। और पता नहीं धनराज को क्या सूझी कि उसने भिड़े के खिलाफ जो चोरी की कंप्लेंट की है उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। क्यों कर रहा है धनराज ऐसा, ये तो मैं नहीं जानता धनराज ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन धनराज का ये कदम भिड़े के लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है। अब भिड़े को हवालात में जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या करेगा भिड़े, और क्या करेंगे हम गोकुलधाम निवासी? भिड़े हवालात में जाएगा तो क्या होगा? अब ये मुसीबत आगे बढ़ेगी या यही थम जाएगी? इस वक्त हमारे हालात बिल्कुल कटी पतंग की तरह और वक्त तूफानी हवा की तरह सामने। देखना यह है कि इस संघर्ष में किसकी विजय होती है। हर विजय के साथ आपको मिलेंगे ठाक जवाब। देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और भिड़े के लिए प्रार्थना कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।